सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और ये वो ब्लॉग है जिसे मेरा फिलहाल बनाने का मन तो बिल्कुल नहीं है, बट वो समय आ गया है हॉस्टल जाने का। क्या है ना यार, थोड़ा बहुत होम सिकनेस मुझे भी होती है, किसी को भी होती है भले वो कितना ही बाहर रहा हो। और ऐसा है कि जितना मैं फ्रीडम घर में रहता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता हूँ, तो वहाँ थोड़ी रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो वो मतलब हर किसी को पसंद नहीं होती ना। तो पर वहाँ की भी एक अलग लाइफ है, इंजॉय वहाँ भी करेंगे हम, मज़ा बहुत आएगा। सामान वामान पैक कर चुके हैं हम, ये बैग देखो वो बैग देखो, मतलब एकदम जाने की तैयारी हो गई है हमारी। और मुझे हरिद्वार आए हुए समथिंग 2 दिन हो गए हैं, और 2 दिन मैंने क्या करा पता है? आज हम देहरादून घूमे, देहरादून के बाद हम मसूरी घूमे, मसूरी के बाद हम लोग पता नहीं कौन सी जगह की नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पर मेले में घूमे, मेले के बाद अभी हम वो वाला पुल दिखाना, वो राम झूला घूमे, वहाँ घूमे, उसके बाद हम यहाँ इस वक्त यहाँ घूमे, और अब घर से कॉल आ गया कि भाई आ जाओ घर, तो अब घर चलते हैं। बट आज मैंने जरा सा भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा था यार। मैं इतने टाइम से इतनी सारी जगह जा रहा था और मैं बस वीडियोस बना रहा था, मैंने बोला आज हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं सजा है, हम है मजारों के, सबकी नजर यहां है, हर चीज राज है, सब है जो... एगार गाइस, मतलब बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतना घूमते हो, इतना वो करते हो, तो मतलब आपके घर वाले एकदम कुछ कहते नहीं है, मतलब बहुत सही है यार तुम्हारा, तो मजे करते हो ये वो। तो मैं अभी आप लोगों को एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, तो कहीं घूमने गए दोस्त के साथ। अरे आ जाएंगे ना, क्या समझता है तू अपने आप को, बताओ नहीं तू मरने वाला मेरे हाथ से, किसने बड़काया है, तुम भी याद करेगा फिर पक्का, किसी ने बोला कॉलेज जा, तू तेरी जरूरत नहीं है वहाँ पर, सीधा जा अपने कॉलेज, बढ़ा रहा वहाँ पे। लुक, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनता, मैं भी काफी ज्यादा डाउट सुनता हूँ इन सब के कारण, मतलब बाहर घूमने के कारण। बट ये है ना यार, कुछ करने के लिए कुछ सुनना तो पड़ेगा ना कुछ करने के लिए कुछ होना पड़ता है, पर यहाँ कुछ करने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता है ना। सो गाइस, अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। आज से हमने सोचा हेल्दी हेल्दी खाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हेल्दी हो गए है ना। अभी कुछ घंटे बाद हम लोग जाएंगे हॉस्टल में, और उससे पहले हर बार की तरह मैं जहाँ जाता हूँ घाटों में, हॉस्टल जाने से पहले हर बार, मतलब ज़्यादातर जितनी भी बार मैं हॉस्टल गया हूँ ना, उससे पहले का सीन हर बार इन्हें इस घाट का दिखता है, तो ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। तो आज भी हम घाट पे ही जाएंगे, और आकाश और मैं हॉस्टल जाएंगे, ये हमें छोड़ने आएगा, हमारा सामान उठाएगा ये। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। सो गाइस, हर बार की तरह हम यहाँ आ चुके हैं, बट हर बार की तरह इस बार नहीं है, इस बार बहुत भीड़ है, क्योंकि अब सीजन आ चुका है, टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ बहुत सारे। अभी फिलहाल मैं, ये और शायद ये हॉस्टल जाएंगे, इसका मन है, मतलब ये शायद 2-3 दिन रुकेगा यहाँ, बाकी हम दोनों जाएंगे। देखना अभी गांडू बोलूंगा कौन पीछे मिलता। ओए गांडू, ओए गांडू। सो गाइस, हॉस्टल जाने से पहले हम थोड़ा सा नाश्ता कर लें, नाश्ता खाना जो भी है, क्योंकि कल से तो हॉस्टल का खाना है। तो फाइनली गाइस, अब इस घर को करते हैं बाय बाय, अब आएंगे, अब जब छुट्टी मिलेगी हमें। लाइट कर दी बंद, वाली लाइट चालू रखते हैं, अभी पापा आएंगे, क्योंकि देख रहे हो लगेज, देख रहे हो हमारा लगेज। बाय मिलेंगे। सो गाइस, हमारा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, अगर आपको व्लॉग शुरुआत से अगर आप देख रहे हो, देख ही रहे होगे यहाँ पहुंचे हो तो अगर देखा होगा सुबह से हम, मैं कह रहा हूँ हॉस्टल जाना है, हॉस्टल जाना है, पर हमने मन नहीं कर रहा था, इसलिए ना ना करते करते रात हो गई,
पर अब फाइनली जाना पड़ रहा है क्योंकि कल से क्लासेस है हमारी, क्लासेस एक हफ्ते पहले से चल रही है, हम ऑलरेडी एक हफ्ता लेट हो गए, तो अब चलते हैं हॉस्टल और पीपल पीछे से देख रहा हूँ। ये हमसे मिलने आए, यहाँ गेट पे छोड़ने आया हमें, मतलब देख रहे हो फैन फॉलोइंग देख रहे हो। अबे सुशांत सिंह राजपूत की शक्ल लेके घूम रहा है, इसलिए आ गया मैं। मैच ही नहीं करती, इन लोगों से पूछ लो मेरी शक्ल मैच, किन लोगों से पूछ लो जो लोग देखेंगे वो है समझ जा। पहली बात शक्ल खाली आ रही थी, कोई नहीं गोरी आ रही है, कैमरा अच्छा भाई। कल ऋषि के साथ तेरे को बिग बी से मिलवाता। अरे नहीं मिलना यार, वो मिलेगा एक दिन हमसे, देखियो। तो गाइस अभी रोहित हमारे कॉलेज में हमें छोड़ने जाने की एक कोशिश करेगा, हमारा फेक भैया बनकर, वैसे भाई है हमारा पर फिर भी रिलेशन में फेक भैया बनकर हम एक कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, अब देखते क्या होता है। पर एंट्री करते टाइम कैमरा चलाना अलाउ नहीं है, तो मैं अभी अंदर जाने के बाद दिखाता हूँ। सो अभी फ़िलहाल हम हॉस्टल आ गए हैं और काफ़ी रात हो चुकी है और हमारा लगेज ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पर, और अभी हम जाने वाले हैं। जस्ट अभी अमन भी आ रहा है, एक दोस्त है हमारा, वो सामान पकड़ेगा और फिर हम चल देते हैं। रोहित हमें छोड़ के जा रहा है। bye bye. रोना मत रोहित, रोना मत, रोना मत, रोना मत, बिल्कुल मत रोना। आप आएंगे पांडे को छोड़ना है ना, चलते हैं। हाँ पहले तेरे को तेरे अच्छा मेरे हॉस्टल चलते पहले नहीं नज़दीक, अच्छा मेरा हॉस्टल पड़ेगा पहले वहाँ रख देते हैं, तेरे हॉस्टल चलते हैं ठीक। और घर वाले वो फैमिली व्लॉग बनाते हैं, अब तू ऐसी बातें कह रहा है अच्छा नहीं लगता ना। कोई ना यार मजाक। और अभी ये हमारा एक सामान लेने के लिए कितने बंदे हैं, 1 2 3 ओ माय गॉड, इसका छपरी होगा। हाँ फिर भी देख रहे हो, उस पर मेरा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रखा है उस गाड़ी पे, सोचो डॉक्यूमेंट रखने के लिए गाड़ी है और बैग उठाने के लिए भाई है, और ये बॉडी गार्ड है हमारा, ताकि हमारा प्यारा पुजारा, ताकि कोई हमें कुछ करे ना। अबे यार यही सो गाइस फाइनली जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार नहीं था वो पल हमारे बहुत करीब आ चुका है। ये रहा हमारा हॉस्टल और ये हमारे दोस्त कम भाई ज्यादा, वही कह रहा हूँ दोस्त कम भाई ज्यादा, ये भी अब इनके लिए भी यही बोलना पड़ेगा, इसके लिए ये बोल दिया है तो वरना बुरा मान जाएंगे। डबिंग तो करोगे और ये शिवम पुजारा इस यूनिवर्सिटी का सबसे होशियार लड़का। एक दिन आएगा ना, वीडियो ऑन है, कहाँ ऑन है भाई, ऑन है भाई ना, अबे ऐसे मत कर, यूट्यूब ब्रो, वी आर यूट्यूबर, रील वाले समझे हो क्या लाओ भाई वो भी दो, हमारा सामान दो पूरा इसमें डालो प्यार से यार। हमारे यहाँ के हैं अमन, रुक दो हाँ हाँ, बाय बाय, अरे चालू रख, बाय बाय, रोना मत, बाय। हेलो ठीक है भैया, गुड नाइट, तो बंद हो गई ना, गुड नाइट। ऐसी जी ना छुप छुपाए ना छुप छुप। सो गाइस जस्ट मैं अभी पहुंचा था हॉस्टल में, साली कुंडी से छोटा डाला है, कुंडी से बड़ा है, बेइज्जती नहीं कर रहा तो कुंडी की। अरे तब ये देखो इस सामने नहीं, वाले ने इसके सामने वाले का ताला देखो, ये लग रहा है सोना जेवरात रखे गए हैं, हमें डर नहीं रहता। इसे देखो हमारे पास कुछ है ही नहीं है सर। मिल गई चाबी, देख रहे हो इंटरनेशनल, ये ताला मैं लाया था मलेशिया से। सो गाइस फाइनली मैं हॉस्टल में पहुंच चुका हूँ और इस व्लॉग को करते हैं यही एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और क्या था, हाँ आज हॉस्टल में बच्चे बहुत कम हैं क्योंकि बाकी सारे बच्चे NSS के कैंप में गए, मैं लेट आया था इसलिए मैं जा नहीं पाया, और वो लोग आएंगे तो अगले व्लॉग में आप लोगों को मैं अपने दोस्तों से मिलाऊंगा और खूब सारी मस्ती करेंगे। और अभी मैं थक गया हूँ, फिलहाल सोने का टाइम हो गया है, 10 बज गए, 10:30 बज गए, तो सो जाते हैं, गुड नाइट एवरीवन। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिएगा, क्यों कर रहा है आप, अगर अच्छा लगा